हेलो अस्सलाम वालेकुम अली कराया, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब सीरीज। आप लोग डेली बेसिस पे जो जो काम करते हैं वो इतना परफेक्ट क्यों करते हैं? आप एक कार ड्राइव करें तो उसी दौरान आप सेलफोन भी चला लेते हैं, किसी से बात भी कर लेते हैं और आपकी कंसंट्रेशन भी गाड़ी से नहीं हटती, क्यों, क्या हो जाए? या डेली रूटीन में आप सुबह सवेरे उठते हैं, अपना प्रॉपरली तैयार होते हैं, उसी प्रॉपर टाइम के साथ ऑफिस जाते हैं और उसी प्रॉपर टाइम के साथ वापस आते हैं, क्यों? तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट टू द इंट्रो। तो आप अपनी ज़िंदगी में डेली लाइफ पे जो रूटीन जो काम करते हैं वो इतना परफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आपकी डेली लाइफ की वो प्रैक्टिस हो। जी हाँ, जो काम आप कंस्टेंटली डेली करते हो वो आपकी सेकंड नेचर बन जाता है, चाहे वो कोई भी काम हो, फोटोग्राफी हो, फिल्म मेकिंग हो, कार चलाना हो या फिर किसी जॉब पे जाना हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप वो डेली बेसिस पे करते हैं प्रॉपर टाइम पे तो वो आपकी बन जाता है सेकंड नेचर, जिसकी वजह से वो काम आप परफेक्टली करते हो। Improving of something is called perfection. अगर आप किसी चीज़ में डेली बेसिस में वो काम कर रहे हो, एक दिन आपको समझ नहीं आया, आपने दूसरे दिन भी किया, तीसरे दिन थोड़ा आया, चौथे दिन और आया, तो उस चीज़ इम्प्रूवमेंट को कहते हैं परफेक्शन। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ अपनी, ये है स्टडी कैम। ये जब मैं लेके आया तो मुझे इसके बारे में इतना पता था कि ये क्या काम करती है, ये आपकी वीडियो को स्टेबलाइज करती है, लेकिन मुझे इसको यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब किया, गूगल किया, इसके बारे में जाना कि काउंटर बैलेंस क्या होता है या ये कितनी देर में फॉल करती है या इसकी लेंथ क्या रखनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसकी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना शुरू की। एक दिन मुझे समझ नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा आया, चौथे दिन आया, मैं प्रैक्टिस करता गया, मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो उसकी अगर डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उसके यूज्ड टू हो जाओगे, वो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। अब ऐसे ही मिसाल देता हूँ, एक बिगनर फोटोग्राफर है जिसको भी बेसिक रूल पता है और एक प्रो फोटोग्राफर है जिसको भी बेसिक रूल पता है, लेकिन प्रो फोटोग्राफर उस सिचुएशन में इतना जल्दी एडजस्ट कैसे कर लेता है, क्योंकि उसके इतने सालों की प्रैक्टिस, इतने सालों की वो जो सेटिंग्स बनाता आ रहा है हर सिचुएशन में, उसकी एक सेकंड नेचर बन चुकी है, वो यूज्ड हो गया है। उसको जिस सिचुएशन में आप भेजोगे उसको याद है कि इस सिचुएशन में ये सेटिंग रखनी है। अगर वो किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जाता है तो उसको पता है कि मुझे शटर स्पीड ज्यादा रखनी है, अपर्चर कम रखना है और आईएसओ लाइट के हिसाब से रखना है, तो वो हर उस सिचुएशन को जानता है, उसने प्रैक्टिस की हुई है, इतना साल डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करता है। और आपको परफेक्ट होने की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो मैं करता हूँ। मैं जिस भी इवेंट में जाता हूँ प्रॉपर मैंने शूट किया, उसके बाद मैं घर वापस आया, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मिस्टेक्स लिखता हूँ जो मैंने उस पूरी शूट में की थी और उन मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मिस्टेक्स से आप जो सीखते हो वो किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते। तो इसलिए इस वीडियो का बेसिक मकसद ये है कि जो बिगनिंग फोटोग्राफर हैं जो एक दो दिन कैमरा यूज़ करके कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं आती, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि ब्रो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही समझ आएगी आपको DSLR, क्योंकि फोटोग्राफी गहरा समुंदर है, इफ यू डाइव इनटू दैट वो बहुत बड़ी फील्ड है। तो जितनी कोशिश करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जितनी सिचुएशंस में जा सकते हो जाओ ताकि उस चीज सारी चीज़ों की आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। अब जैसे मैं अपना एक और अपना मिसाल देता हूँ, पहले मैं एडिटिंग करता था, मेरी एडिटिंग कुछ ऐसी होती थी, और इतने साल जब प्रैक्टिस करने के बाद उन चीज़ों को समझने के बाद मैंने बीच में छोड़ा नहीं सीखना, मैं कंटिन्यूसली सीखता रहा हूँ हर चीज़ डेली बेसिस पे। पूरे साल में 356 डेज हैं, अगर आप डेली बेसिस पे कोई भी एक चीज़ सीखो तो आप 356 चीज़ें सीख सकते हो पूरे साल में। तो मैंने डेली बेसिस पे वो सब चीज़ें सीखना शुरू की और उसके बाद मेरी एडिटिंग कुछ ऐसी हो गई। और जो लोग कहते हैं कि हम बस सीख गए हैं वो कभी नहीं सीख पाते, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, डेली मार्केट में नई चीज़ आ रही है, डेली नए इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, नए फिल्म्स आ रहे हैं जो नए नए इफेक्ट्स लेके आ रहे हैं, अगर जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है आप गेन करो, उसके बाद ही आप कुछ सीख सकते हो, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। वीडियो का बेसिक मकसद था कि प्रैक्टिस, फोटोग्राफी अगर आप सीख रहे हो तो उसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो, फिल्म मेकिंग उसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो, ताकि आपको वो सही से समझ आती जाए और आप अपने ही फील्ड में प्रो बनो, बिगनर से प्रो बनो। बिगनर से प्रो बनने की है ये प्रैक्टिस, सिचुएशन को समझने की है ये प्रैक्टिस, थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने की है ये प्रैक्टिस। अगर एक दिन आप एक थ्योरी पढ़ोगे, कलर थ्योरी, अगर आप उसको डेली बेसिस पे नहीं समझोगे तो आपको क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो उठाइए कैमरा और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी फील्ड में परफेक्ट बन जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अगर समझ आई तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।